नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनबॉक्स द ब्यूटी में। और दोस्तों, मैं बात करूँ अभी के करंट मौसम की, तो ये मौसम है ये मई जून जैसा हो गया है। भले ही अभी अप्रैल चल रही हो, लेकिन मौसम हमारा मई जून जैसा हो गया है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा पसीना देती है और बहुत अजीब सा फील होता है। रिफ्रेशिंग तो बिल्कुल भी फील नहीं होता है। जैसे हम लोगों को दोस्तों सर्दियों के टाइम पर एक वार्म नैप मिल जाए तो हमको बहुत अच्छा लगता है, उसी तरीके से अगर एक रिफ्रेशिंग शॉवर हमें गर्मी में मिल जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हम बात करें शॉवर की, तो उसके लिए हमें एक बॉडी वॉश की ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसके ऊपर सोनपे सुहागा होता है कि कोई एक अच्छा बॉडी लोशन हमको मिल जाए, जो कि हमारी स्किन के ऊपर बिल्कुल ग्रीसी ना हो, स्वेट ना दे, और साथ ही साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखे। तो वैसा लोशन हमको मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूँ बॉडी वॉश और बॉडी लोशन की। तो ये जो है मेरे पास प्रेजेंट है दो बॉडी वॉश एंड बॉडी लोशन, तो ये जो है फेथ एंड पेशेंस की तरफ से हैं। तो फेथ एंड पेशेंस की अगर मैं बात करूं तो सही सुन रहे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए और थोड़ा संयम होना चाहिए, सब चीज़ आपकी आसान हो जाती है। तो फेथ एंड पेशेंस की जो है काफ़ी अच्छे अच्छे स्किन केयर एंड हेयर केयर के प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं। और अगर मैं इनकी पैकेजिंग की बात करूं तो मुझे इनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इंस्टाग्राम पर मैंने काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी और इनकी पैकेजिंग जो है काफ़ी ज़्यादा मेरे को एकदम से आई कैचिंग होती थी। स्टार्टिंग में शायद यही थे जिन्होंने एकदम राउंड और सिलिंड्रिकल तरीके से शैम्पू की बोतल को बनाया था। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इनकी पैकेजिंग मुझे। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इनके बॉडी वॉश एंड बॉडी लोशन की, जो कि देखने में जितने अच्छे हैं उतने ही ज़्यादा यूज़ करने में भी अच्छे हैं। तो इनके जो बॉडी वॉश हैं और बॉडी लोशन है उनकी काफ़ी ज़्यादा रेंज प्रेजेंट है, बट मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है रेड वाइन के बॉडी वॉश एंड बॉडी लोशन। तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। प्राइस जो है इनके ठीक ठाक हैं, आप जो है अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर इनकी क्वालिटी की बात करूँ तो इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं बॉडी वॉश की, क्योंकि हम पहले अपनी बॉडी को वॉश ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी बॉडी वॉश की। तो ये दोनों जो है एक तरीके से इसके ऊपर कैप लगी होती है और ये जो है इसका पंप अलग से आता है। आपको कैप हटा करके इनके अंदर पंप डालना होता है और पंप के थ्रू आता है। तो पंप जो है यहाँ पे ये लॉक सिस्टम में आता है, तो आप जब इसको चाहें तो नहीं यूज़ करें तो इसको लॉक कर सकते हैं कुछ इस तरीके के, और जब इसको यूज़ करना है तो आप इसको टर्न कर सकते हैं और इसको दबाएंगे तो ये प्रेस होकर लिक्विड जो है इसका निकल आएगा। तो ये जो है काफ़ी अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट लगा है। इस तरीके के लॉक सिस्टम से जब आता है और जो कि आसान होता है यूज़ करने में, तो प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट नहीं होता है और कहीं गलती से फैलने का जो डर होता है वो भी नहीं रहता है। तो बात करते हैं बॉडी वॉश की। तो ये बॉडी वॉश जो है रेड वाइन बॉडी वॉश है और ये आपको 400 ml मिल जाता है 650 rupees में। अगर मैं इसके टॉप थ्री इंग्रीडियंट्स की बात करूँ तो टॉप थ्री इंग्रीडियंट्स है इसके रेड वाइन, रेड राइस वाटर एंड हनी। तो रेड वाइन, राइस वाटर और हनी ये तीनों ही जो है काफ़ी अच्छे इंग्रीडियंट हैं और ये तीनों के ही तीनों जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। ये टॉप थ्री इंग्रीडियंट्स हैं, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो इन्हीं की प्रेजेंट है। इसके बाद और भी इंग्रीडियंट्स इसके अंदर ऐड करे गए हैं। अगर मैं इसकी टेक्सचर की बात करूँ तो इसका टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा रनी है और ये बहुत आसानी से लेदर को फॉर्म करता है। इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है और जो कम से कम 3 से 4 घंटे तक रुकती है। अगर साथ ही साथ आप इसका बॉडी लोशन लगाते हैं तो वो जो है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आप इसको यूज़ करके नहा के निकलते हैं ना, तो आपको खुद को भी रिफ्रेशिंग फील होता है। और रेड वाइन जो है वो अगर आपकी स्किन केयर में प्रेजेंट है तो वो जो है आपकी स्किन को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखती है और गर्मियों के टाइम में ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक बॉडी वॉश हो जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ इसकी बॉडी लोशन की, तो अगेन इसकी बॉडी लोशन की भी जो पैकेजिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगेन यहाँ पर जो है आपको ये ट्विस्ट वाला सिस्टम मिल जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है वेस्ट नहीं होता है। देखने में काफ़ी अच्छी है और जो मुझे इसकी पैकेजिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सिंपल सोवर है, किसी तरीके का कुछ फैंसी नहीं किया गया है, बट स्टिल ये जो है काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग हो जाती है और देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव सी लगती है। इसके अगर मैं टॉप थ्री इंग्रीडियंट्स की बात करूँ तो इसके टॉप थ्री इंग्रीडियंट्स हैं स्वीट आलमंड ऑयल, एवोकाडो ऑयल और शी बटर। ये जो है आपको 650 rupees में मिल जाता है 350 ml। तो अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इसका टेक्सचर जो है काफ़ी ज़्यादा थिक है कुछ इस तरीके से, तो ये आसानी से फैलता नहीं है। आप इसे अपने हाथों के बीच में रब करते हैं तो बहुत आसानी से ये जो है मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद जब इसे लगाते हैं आप अपनी स्किन के ऊपर तो ये आपकी स्किन के अंदर बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ तो ये आप देखिए कुछ इस तरीके से आप जब लगाते हैं तो लगाते लगाते ही ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एक हल्की सी कूलिंग सेंसेशन जो है आपको इसमें मिलती है, जो काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है। और आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी एकदम से
रेडियंट सी लग रही है, एकदम प्लम्प्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज लगती है, एकदम हाइड्रेटिंग लगती है, और वहीं पे साथ ही बिल्कुल ग्रीसीनेस नहीं देती है। स्वेट जो है वो आपका आता है, उसके बाद जो आपकी स्किन होती है वह चिपचिपी सी हो जाती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसे यूज़ करते हैं तो इसके बाद आपकी स्किन जो है चिपचिपी नहीं होती है और आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज लगती है। इनके जो इंग्रीडियंट्स अगर यूज़ करे गए हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एकदम से मॉइस्चराइज करने वाले हैं, बस सेम टाइम ये ग्रीसीनेस बिल्कुल नहीं देते, जो कि गर्मियों के टाइम में बहुत अच्छी बात हो जाती है। गर्मी में जब हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं ना तो हमारे हाथ चिपचिपाने लगते हैं और पसीने से एकदम से वो मिलकर अजीब सी स्मेल देते हैं, लेकिन ये जो है जब यूज़ करते हैं तो बहुत प्लेजेंट स्मेल देते हैं, एकदम रिफ्रेशिंग फील देते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इनके प्राइस रेंज भी ठीक ठाक है, और अगर आप बात करते हैं इनको यूज़ करने के बाद फील की तो उनका फील भी बहुत अच्छा आता है। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करूँ तो मैंने इसको दोनों को साथ में यूज़ किया तो इनकी जो स्मेल है काफ़ी देर तक चलती है। मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, ड्राई बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो मॉइस्चराइज रहती है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उस टाइम पे ये जो है आपकी स्किन के ऊपर ग्रीसीनेस बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आपकी स्किन को जो है काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखते हैं। इनका हाइड्रेशन काफ़ी टाइम तक चलता है। गर्मियों के टाइम में जो है आप देखते हैं आपकी स्किन जो है मतलब स्वेट प्रोड्यूस करती है, लेकिन सेम टाइम पर जो है कभी कभी ड्राई से होने लगती है, एकदम अजीब से होने लगती है, तो इसको यूज़ करने के बाद जो है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करती है। तो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल आपको चाहिए तो आपको अच्छा अच्छा खाना पड़ता है, लेकिन सेम टाइम पे आपको अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह को भी यूज़ करना पड़ता है ताकि स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहे। तो ये जो एक काफ़ी अच्छा कॉम्बो है बॉडी वॉश एंड बॉडी लोशन का, रेड वाइन जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसका कलर रेड है और रेड कलर जो है मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए कह सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लगी है। इनके जो इंग्रीडियंट का यूज़ करके इनके प्रोडक्ट बनाए गए, ये प्रोडक्ट भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और इनका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा लगा है। आप जो है इनको वो एक जो इनका स्टोर है वहाँ से परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी इनको ख़रीदने के लिए। तो जो इनका लिंक है वो नीचे डाल दूंगी मैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे इंग्रीडियंट है, आप इन्हें यूज़ करेंगे तो रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनके शैम्पू भी बहुत अच्छे हैं और स्किन केयर के ये प्रोडक्ट जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और साथ ही साथ जो इनके इंग्रीडियंट यूज़ करे गए हैं स्पेशली रेड वाइन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरीके की जो वीडियो मैं लाती हूँ वो टाइम टू टाइम जो मैं देती हूँ आपको मिल जाए और वो आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा।